नमस्कार जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, जहां हम बात करते हैं 1967 में लगी आग को बुझाने की, जिसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ हमारे राज्य झारखंड में भी लगी। इस आग को बुझाने के लिए केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तत्पर प्रयास कर रही है। दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा में हम झारखंड राज्य में मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो भी परेशानी, जो भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दर्शकों, आइए चलते हैं चंदवा, जो लातेहार जिला का हिस्सा है, वहां पे चल के देखते हैं कि कैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं। लातेहार जिले का चंदवा कभी नक्सलियों के लिए कुख्यात था। यहाँ कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई, ये आए दिनों की बात थी। क्षेत्र में उग्रवाद के पनपने का एक बड़ा कारण बेरोजगारी था। सरकार की योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती थी। प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता भी उग्रवाद बढ़ने का एक बड़ा कारण थी। नमस्कार दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आप पहुंचे हैं चंदवा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में। यहाँ पे हो रहे लाभान्वित से हम जानेंगे कि उन्हें किस तरह से यहाँ पे सुविधा मिल रही है, जैसे कंप्यूटर लैब, आईसीटी, खेल कूद में डिजिटल बोर्ड। तो आइए उनसे हम जानते हैं। मेरा परिचय नाम निधि मिंज है, मैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, हमारे सब्जेक्ट पूरे पढ़ाई होते हैं और हमारे स्कूल में अच्छे तरह से साफ सफाई होते हैं। हमारे यहाँ पे अनुशासनहीनता अच्छे से ही है। हमारे जिम वहाँ लगे, जिम से हमें स्वस्थ रहते हैं और हमारे स्कूल में साफ सफाई रहने से हम लोग का अच्छे से स्वस्थ ही हम लोग सब रहते हैं। पढ़ाई के लिए बहुत ही सुविधाएं हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ से बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, हमारे स्कूल में ही सब कुछ है। और लाइब्रेरी, टीचर्स, कंप्यूटर्स। मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और कस्तूरबा गांधी में पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ पे स्मार्ट क्लास होता है सब विषय का, और हम लोग हर चीज़ को, हर विषय को हमेशा कभी कभी क्लास के समय देख सकते हैं। और जो दोबारा पढ़ाई टीचर लोग करते हैं, जो समझ में नहीं आता है दोबारा पढ़ाते हैं, और स्मार्ट क्लास में भी कर सकते हैं हम लोग बार बार। और यहाँ पे बहुत सारे सुविधाएं मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित और सारा चीज़ का भी संबंधित सुविधाएं मिलते हैं। और हमारे विद्यालय में खो खो खेल और क्रिकेट और वॉलीबॉल और कबड्डी, ये सब सारा चीज़ होता है, और जिम भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और हम लोग का पूरा विद्यालय में क्लास रूम में सजाए हुए हैं, हम लोग को कभी भी भूल सकते हैं तो कभी भी अनदेखा देख के भी याद हो सकता है, इसीलिए हम लोग लिख के चिपकाते हैं और अच्छा दिखाई देता है क्लासरूम। यहां गांव तक पक्की सड़कें, बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी। स्कूल तो थे पर वहाँ शिक्षकों की कमी थी। कुछ स्कूलों में तो नक्सलियों ने अड्डा जमा लिया था, इसके कारण परिजन भी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजते थे। लेकिन समय के साथ काफ़ी कुछ बदलता चला गया। मेरा नाम रिंकी कुमारी, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ, केजीबीबी चंदवा में पढ़ती हूँ। और केजीबीबी चंदवा स्कूल में बहुत अच्छे खेल कूद होते हैं, जैसे कि दौड़, कबड्डी, क्रिकेट, ये सब होते हैं। जिम भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पे सभी चीज़ का सुविधा है, खाना पीना से लेकर रहने, पढ़ाई लिखाई से सब चीज़ सुविधा है। पढ़ाई में मैम सब पढ़ाते हैं, सभी विषय का पढ़ाई होता है, और स्मार्ट क्लास भी होता है। और जो स्मार्ट क्लास में पढ़ाई होता है वो समझ में नहीं आता है तो मैम सब भी समझा देते हैं, रिवाइज करवाते हैं बार बार। मेरा नाम सीमा कुमारी, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ और मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चंदवा में पढ़ती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती है, जैसे कि हमें महीना महीना में कॉपी, पेस्ट, ब्रश, किताब और सभी चीज़ दी जाती है। लैब में
हम लोग जाते हैं और वहाँ पे वीडियो देख के अच्छे तरह से समझ लेते हैं। मैं मधु कुमारी कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। हमें 4 टाइम खाने के लिए मिलता है, ड्रेस से लेकर पेस्ट साबुन वगैरह सब फ्री यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे तरह तरह की इसी बदलाव में शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल हुई और क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। इसका स्थापना चंदवा में हुआ और लातेहार के लगभग सभी क्षेत्र में बालिकाओं के लिए यह पहल वरदान साबित हुई। इसमें ऐसी बच्चियां भी शामिल थी जिनके अभिभावक नहीं थे या वे पूरी तरह से बच्चियों को पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। स्मार्ट क्लास आने से बहुत सारे एस्पेक्ट में हमें मदद मिली है। जैसे हमारे पास टाइम बाउंडेशन होता है, 45 मिनट्स में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने होते हैं बच्चों को। तो जैसे मेरा सब्जेक्ट है बायो और केमिस्ट्री, हमें ड्राइंग के माध्यम से बहुत कुछ बताना होता है, जो अगर ड्रॉ करने जाए तो टाइम तो लगता है 5 मिनट, यही वीडियो में दिखाने पर वो ड्रॉ होता है और फंक्शन भी बहुत अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं। और वीडियो में है कि अगर आप किसी दूसरी कक्षा में चले गए और उस कक्षा के शिक्षक अनुपस्थित हैं या किसी और काम में व्यस्त हैं तो आप वीडियो चला देंगे तो बच्चे भी बहुत तरह से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। और बहुत अन्य माध्यमों जैसे YouTube है और हमें बहुत सारे मटेरियल्स भी मिलते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लातेहार ऑफिस के द्वारा, और हम अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करते हैं जहाँ जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कुछ बच्चे हैं जो मुख्य धारा से पीछे हैं, जैसे जो 10th में हैं उन्हें बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज नहीं है, तो उन्हें उस हिसाब से हम एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं और कम समय में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। देखिए जैसा विज्ञान सब्जेक्ट है ना, इसमें हिंदी तो है पर इसमें अंग्रेजी के शब्द ज़्यादा हैं और वो हिंदी में लिखवाए जाते हैं। और YouTube एक ऐसा मतलब बोले विविध है, वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षक ट्रेंड भी हैं, हमारे यहाँ कुछ बच्चे सादरी बोलते हैं, वो हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे, पर अब ऐसा हो गया है कि जो टीचर्स हैं वो उनके लैंग्वेज में पहले उनको कंफर्टेबल करते हैं, फिर धीरे 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 अपने जो लैंग्वेज में पढ़ाते हैं उस लैंग्वेज में फिर उनको समावेशित करते हैं। वैसे परिवार की बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वरदान साबित हुआ। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। छात्राओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। महिला के लिए या पुरुष के लिए भी, अब ऐसे आपने सवाल महिला के लिए पूछा, एक सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बच्चों को सिक्योर फील कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है कि बच्चे और शिक्षकों के बीच में संवाद होता है कि इन्हें रिलेशन कैसा है, क्या बच्चे शिक्षक के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को। हम लोग अभी हर ट्यूसडे SHWP की क्लास चलाते हैं, स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम, जिसमें बच्चे किस जैसे फिजिकली क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या उन्हें क्या बीमारी अंदर अंदर हो रही है, जैसे लड़कियों में मासिक धर्म से रिलेटेड, तो ये बच्चे पहले कंफर्टेबल नहीं थे, पर धीरे धीरे जैसे हर ट्यूसडे हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं तो ये कंफर्टेबल हो गए और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो बताते हैं। तो सिक्योरिटी और बच्चों का रिलेशन टीचर्स से कैसा है, तो ये सारी चीज़ें कस्तूरबा में स्पेशली बहुत अच्छी है। और प्लस यहाँ के बच्चे, मेरा यहाँ पे 5 साल होने जा रहा है, शुरुआती दिनों में बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते थे तो हम लोग को थोड़ी दिक्कत होती थी, पर अब धीरे धीरे लगता है कि ये लोग हेजिटेट नहीं होते हैं, बता देते हैं। देखिए अगर महिला ही शिक्षित नहीं होगी, ये बालिकाएं हैं, छोटी हैं, अगर बड़ी होंगी इनका अपना परिवार होगा, महिला शिक्षित नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा देने के लिए, शिक्षा ज़रूरी नहीं है, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, अपने बच्चों को कैसे पोषण से युक्त खाना देना है उसके लिए भी एक शिक्षा ज़रूरी है, कि हमें प्रोटीन डाइट में देना ज़रूरी है जिससे मसल्स का विकास हो, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं। जैसे अगर महिला शिक्षित नहीं होगी तो अगर ठीक है वो नौकरी नहीं कर रही है, उसका पति ही कमा कर आ रहा है, तो बचत कैसे करेगी, उसे समझ ही नहीं आएगा कि हम सेविंग करेंगे तो आगे फ्यूचर में मेरे को बहुत अच्छा होगा, तो ये सारी चीज़ें। यहाँ की छात्राएं पढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, खेलकूद, योग सहित अन्य गतिविधियों में भी शामिल हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास के साथ साथ कौशल विकास भी होता है। इन सभी कवायद का एकमात्र उद्देश्य यही है कि छात्राएं आत्मनिर्भर बन सकें।
मुझे खुशी होती है कि मैं यहाँ पर शिक्षिका हूँ। और मेरी पहचान पहले एक बेटी एक बहू के रूप में थी, लेकिन यहाँ शिक्षिका के रूप में जब से आई हूँ तो मुझे पर डे 400 बच्चे मुझे गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं, तो मुझे खुशी फील होती है कि मैं एक मैडम के रूप में काम कर रही हूँ। और मुझे बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिलने का मौका मिलता है जो घर पर रह कर मैं नहीं कर सकती थी, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी होगी कि मेरे द्वारा पढ़े हुए बच्चे आगे जाएं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, नर्स बने, और मैं इसके लिए कोशिश भी करती हूँ। मैं बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी देती हूँ और शाम शाम को बच्चों को बुलाती हूँ फील्ड में, और उन लोगों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में भी समझाती हूँ, एक्स्ट्रा जीके के भी नॉलेज देती हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहें, अपना पैसा कमाए और अपना घर में भी मदद करें, तो मुझे अच्छा लगेगा। लड़कियाँ इस मामले में बहुत सशक्त भी होती हैं, क्योंकि हर महिलाओं को देखने में आता है कि अगर पुरुष कमा के आते हैं तो महिलाएं उनसे पैसे मांगती है और उसमें से कितना खर्च करना है हमारे मासिक के रूप में, कि किस किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है, तो वो सारा डिटेल्स महिलाएं लिखती भी हैं और जितना खर्च करना है वो करती है और उसमें से कुछ बचाती भी है। अगर महिलाएँ शिक्षित रहेगी तो अपना सेविंग कर सकती है। तो दर्शकों, हमने देखा कि लातेहार जिले में कैसे बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं, और जाहिर सी बात है जब आज बालिकाएं शिक्षित हो रही हैं तो कल उनका भविष्य उज्जवल होगा। अब हम रुख करेंगे दूसरे जिले में, वहां पे भी मुख्यधारा से भटके हुए लोगों की वजह से दहशत का माहौल था, लेकिन आज वहां भी कह सकते हैं कि नया सवेरा का उदय हो चुका है। वहाँ महिलाएं दूसरे तरीके से तरक्की कर रही हैं, वो तरक्की का माध्यम अपनाई है JSLPS, उसके तहत महिलाएं कपड़ा का व्यवसाय कर रही हैं, और कपड़ा का व्यवसाय करने से उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हुई है, साथ ही साथ उनके अंदर जो दहशत का माहौल था वो माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर JSLPS का हाथ थामे अपनी ज़िंदगी को बदल चुकी हैं। तो चलिए रुक करते हैं खूंटी और देखते हैं JSLPS कैसे उनकी सहायता कर रहा है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की रहने वाली आलिया कपड़ा व्यवसाय से जुड़कर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि अपने प्रखंड की महिलाओं के लिए वह प्रेरणा स्रोत भी है। यह सब कुछ संभव हो पा रहा है झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज के द्वारा। जी हां, JLPS के माध्यम से राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी ने शानदार कार्य कर दिखाया है। जोहार, मैं सचिन कुमार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में आए हुए हैं। खूंटी जिला एक समय घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा करता था। यहाँ की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। JSLPS के सहयोग से यहाँ की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और रोजगार चला रही है। यही कड़ी में हम आप पहुँचे हैं। प्रतिष्ठान चला के आलिया निशा किस प्रकार आत्मनिर्भर बन रही है, आइए हम जानते हैं। मेरा नाम है आलिया निशा। मैं ACG के थ्रू मुझे अपना अलीशा फैशन को, जो मेरा पहले से दुकान था, उसको आगे बढ़ा रही हूँ। जी दीदियों, मतलब कि हम लोग का घर के अगल बगल की जो दीदी लोग थी वो लोग सब मतलब ऐसे बोल रही थी कि समूह चलाना है, तो उसके लिए हम लोग 8-10 महिला लोग, हम लोग दीदी लोग जुड़ करके, और फिर वो लोग हम लोग चुनाव किए, उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तीनों सदस्य का चुनाव किए, जिसमें मैं आलिया निशा मेरा अध्यक्ष हूँ समूह का, और हम लोग ने मिल करके समूह का महात्मा महिला मंडल का ये किया। जी इससे हम लोग को महिला लोग को बहुत हेल्प होता है अपना, जैसे बिजनेस को, कुछ कुछ घर बैठी रहती महिला लोग अपने बिजनेस को, जैसे कुछ भी काम कर रही है तो उसमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी के लिए हेल्प होता है। और बहुत सारी महिला लोग है जिसको अपना, जैसे किसी को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है या फिर किसी को अपना घर में किसी को ज़्यादा बीमार पड़ गया, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी हम लोग उसको पैसा देते हैं जिससे वो लोग अपना अच्छे से उपचार कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। इसी से जुड़कर आलिया कपड़ा का व्यवसाय करती हैं। शुरुआत में उन्हें थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन घर पर ही रहकर उन्होंने धीरे धीरे कपड़ा सिलने का काम आरम्भ किया, और इसके बाद उन्होंने आस पास के लोगों के भी कपड़े सिलने आरम्भ किए। देखते ही देखते उनका काम चल निकला, और इससे हम लोग को, जैसे महिला लोग को कुछ कुछ सिखलाया भी जाता है, जैसे सिलाई हो गया, घर में कुछ
फास्ट फूड टाइप का समूह में हम लोग मिल के आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और कुछ कुछ विचार विमर्श करते हैं महिला समूह। जी मैं BSc की हुई हूँ वुमेंस कॉलेज से, रांची वुमेंस कॉलेज BSc, और इससे पहले मेडिकल फील्ड लैब टेक्नीशियन भी की हुई हूँ। जी पढ़ाई के साथ मेरा मतलब शादी हो गई, तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड का दुकान था कपड़ा का, तो इससे मतलब कि मेरे हस्बैंड का बुटीक था बस, इधर जो सिलाई वाला है बुटीक था। तो मेरा दिमाग में आया कि जब हम थोड़ा बहुत पूंजी लगा के उसमें समूह के थ्रू जब दुकान था, तो हम पूंजी लगा के उसको दुकान को और भी बड़ा कर दिए और धीरे धीरे मतलब कि जो अभी आप लोग के सामने जो दिखाई दे रहा है। आज आलिया के पास जमीन, घर, दुकान सब कुछ है। यह सब संभव हो पाया है JSLPS के माध्यम से। JSLPS ने न सिर्फ आलिया की बल्कि आसपास के गांव की युवतियों का भविष्य भी बनाया है। अब ये सारी युवतियाँ कपड़ा बनाकर रखती हैं और जो लोग इनके पास आते हैं वे उनसे कपड़े खरीदते हैं। इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी भी मिल जाती है। स्टार्टिंग में तो मुद्रा लोन मिला जिससे हमको 50,000 मिला, तो उसमें हम लोग का दुकान रन नहीं कर पा रहा था, तो फिर हमने एप्लीकेशन डाला SLPS में, तो फिर उसके बाद हमको 5,00,000 का लोन मिला, जिससे कि अभी हम लोग का दुकान काफ़ी ये हो गया। हमारे दुकान में लेडीज़ वेयर जितना भी, जैसे कि लेडीज़ के लिए जितना भी है, कुर्ती हो गया, साड़ी हो गया, लहंगा दुल्हन के लिए लहंगा, और उसके साथ जो मैचिंग का हम लोग जैसे साड़ी के लिए चूड़ी हो गया, इयररिंग्स हो गया, हाँ लिपस्टिक हो गया, आईलाइनर हो गया, जितना भी मतलब लेडीज़ के लिए जो भी है सारा कुछ अवेलेबल है। जी मेरे हस्बैंड का भी इसमें सहयोग है, जो कुछ भी है अभी हस्बैंड के ये सही है, सपोर्ट सही है। धीरे धीरे रन करते, लेकिन मतलब इस तरह अचानक से हाँ ग्रुप से कुछ ज़्यादा ही हम लोग को मतलब सपोर्ट मिला है। जी जी बहुत ज़रूरी है, जैसे एक महिला जो पढ़ी लिखी हो तो उसको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ महिला को सेल्फ डिपेंड होना और घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। अपने परिवार को भी चला सकती है और बिजनेस भी आगे बढ़ा सकती है धीरे धीरे। कितने बच्चे हैं? जी 2 बच्चे हैं। जी एक छोटा बेबी है 6 महीना का और एक है 2 साल का, तो बच्चा के साथ घर के साथ साथ मतलब बच्चों के साथ साथ दुकान भी देखते हैं, तो इसके लिए मतलब बहुत अपने आप में मतलब ये लगता है कि बच्चा घर और दुकान सब कुछ देखना, समूह भी देखना, क्योंकि उसमें अध्यक्ष है तो सब कुछ हम ही को संभालना पड़ता है। दीदी लोग तो उतना नहीं कर पाती है, बैंक भी जाना है घर का, फिर संडे को हम लोग का जो ग्रुप में जो बैठक होता है 3 बजे से, तो वो भी देखना रहता है, सारा कुछ करना पड़ता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए मतलब महिला को सेल्फ डिपेंड होना और अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब पैसे के लिए इन्हें इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं, इससे पलायन की समस्या का भी निदान हुआ है। आलिया बताती हैं कि शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब सब कुछ सुगम हो गया है। अन्य युवतियाँ जुड़कर भी उन्हें मदद करती हैं। देखते ही देखते टोरपा प्रखंड और उसके आसपास के कई गांव की युवतियाँ इस मिशन से जुड़ गई हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक महिला हो के इतना बड़ा बिजनेस चलाना महिलाओं के लिए आसान नहीं है, लेकिन इनको जो JSLPS से लोन मिला और हमारा भी कुछ सहयोग है, इनको मतलब इनके मन में विचार पैदा किए कि बिजनेस करें, आगे बढ़े, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाए। एक्चुअली यहाँ जब हम आए तो NRTP प्रोजेक्ट उस समय शुरुआती दौर पे था, महिलाओं को यहाँ पे एक समूह में बैठती थी लेकिन उद्यमी नहीं बन पाई थी, लेकिन जब से NRTP आया और यहाँ जैसे आलिया का ही बात करें तो आलिया के हस्बैंड एक बुटीक चलाते थे, छोटा सा बुटीक चलाते थे, तो फिर हम लोग लोगों को समझाए हमारे कैडर्स के द्वारा कि हम लोग उद्यमी लोगों को बढ़ाना है, यहाँ पे उद्यमिता को बढ़ावा के लिए हम लोग एक लोन प्रोवाइड कर रहे थे OSF के द्वारा, और उसी को प्रेरित किए लोगों को, और अभी आलिया निशा एक छोटा सा बुटीक से आगे बढ़ के यहाँ पे इनका इतना बड़ा स्टोर आप लोग खुद देख रहे हैं, और इनको OSF के साथ साथ जब इनका लोन रिपेमेंट अच्छा रहा तो ये बोली कि हमको और चाहिए, इतना में नहीं हो पाएगा,
वैसे बहुत सारे लोगों को हमने लोन दिलाया, लेकिन आलिया की बात करें तो 5 लाख रुपये लोन मुद्रा लोन के द्वारा खुद बैंक मैनेजर से बात करके, और सपोर्टिंग है यहाँ के जितने भी बैंकर्स है सपोर्ट करते हैं JSLPS के, तो सब इनको 5 लाख रुपया दिलाया गया। जीरो तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जीरो कहने का मतलब बिल्कुल शून्य हो जाएगा। इनको ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत ये की थी अपने लिए, और उसी शुरुआत को हम लोग फिर एक बढ़ावा दिए, और अभी एक अच्छा उद्यम बन चुकी है उद्यमी। वह कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण भी ले रही हैं। ये युवतियाँ मेले में स्टॉल लगाकर कपड़े बेचती हैं। इनका कहना है कि अब उन्हें घर बैठे रोजगार जो मिल गया है, और इससे उनके परिवार की आजीविका भी चल रही है। वह तेजी से आत्मनिर्भर बन रही हैं। जी, हाउसवाइफ के, हाँ, पहले मेरा पहचान सिर्फ हाउसवाइफ के लिए में था, लेकिन जैसे जैसे घर से बाहर निकलने लगे, दुकान आने लगे, और साथ ही साथ समूह को भी चलाने लगे, तो उससे मेरा पहचान बढ़ने लगा धीरे धीरे। सब कोई आलिया दीदी के थ्रू, और फिर घर से बाहर निकल दुकान आने लगे, तो फिर दुकान से सब कोई को भी पहचान समझ में आने लगा, आलिया दीदी मतलब इस टाइप जी अच्छा लगता है। लेकिन ये सब सबसे सबके लिए मतलब मेरे हस्बैंड का ये है, क्योंकि वो हमको बोलते थे, स्टार्टिंग से बोलते थे कि पढ़ी लिखी हो, घर से निकलो, ऐसे घर में हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, कुछ करो। तो धीरे धीरे ऐसे बाहर निकलने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सब सारा कुछ मतलब मेरे हस्बैंड का। जी सर, पहले मतलब तौरपा में ऐसा दौर था, ऐसा माहौल था कि महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती थी, नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब महिलाएं पूरा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ निकलती है बाहर, और सब मतलब महिलाएं लोग आत्मनिर्भर होकर के निकलती है, अपना काम करती है। इसमें जिला प्रशासन और प्रखंड का बहुत बड़ा सहयोग है। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि चंदवा जो लातेहार जिला का हिस्सा है, वहाँ पे बालिकाएं कैसे शिक्षित हो रही हैं और उनके जीवन में नया सवेरा का उदय हो रहा है। साथ ही साथ हमने रुक किया तोरपा जो खूंटी जिले का हिस्सा है, वहाँ भी हमने देखा कि कैसे महिलाएं JSLPS का हाथ थामे अपनी ज़िंदगी बदल चुकी हैं। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आपके समक्ष कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो और आपको शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्यधारा से भटका हुआ है या फिर उसकी मंशा मुख्यधारा से भटकने की है, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे समझाएं कि वो मुख्यधारा से जुड़े रहें। मुख्यधारा से भटकना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।